आज के इस वीडियो में हम लोग आर्मी के कमेंडेशन बैचेस के पैटर्न को देखेंगे। क्या होते हैं कमेंडेशन बैचेस, इस बैच को क्यों और कब किसी ऑफिसर को दिया जाता है, आज हम लोग यही देखेंगे। मिलिट्री की तीनों ब्रांच दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी इंडिविजुअल्स के लिए कमेंडेशन बैचेस इशू करती हैं। कमेंडेशन कार्ड्स एक तरह का गैलेंट्री अवार्ड है एंड दीज कमेंडेशन बैजेस आर अवार्डेड फॉर इंडिविजुअल एक्ट ऑफ गैलेंट्री और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और डिवोशन टू ड्यूटी परफॉर्म इन आइदर ऑपरेशन और नॉन ऑपरेशनल एरिया। द अवार्ड विल बी फॉर अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ ब्रेवरी और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और स्पेशल सर्विस। तीनों मिलिट्री ब्रांच अपने हाईएस्ट ऑफिसर लेवल यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ लेवल पे इंडिविजुअल्स को रिकमेंडेशन बैचेस इशू करती हैं। लो लेवल ऑफिसर अवार्ड्स भी इशू किए जाते हैं, पर ये अवार्ड्स ब्रांच वाइज डिफर करते हैं। पर क्योंकि आज हम लोग इंडियन आर्मी के कमेंडेशन बैचेस की बात कर रहे हैं, तो इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के कमेंडेशन बैचेस के बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। ये पहले ही फिक्स है कि आप अपनी यूनिफॉर्म में दो तरह के कमेंडेशन बैचेस पहन सकते हैं। पहला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन बैच एंड दूसरा है आर्मी कमेंडेशन बैच। यहाँ आर्मी वर्ड से मेरा मतलब है GOC इन सी आरट्रैक एंड VCOAC। काफी लोगों ने ये टर्म पहली बार सुने होंगे, तो मैं इन टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला टर्म था GOC इन सी। GOC इन सी का मतलब है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एंड इनकी रैंक जनरली लेफ्टिनेंट जनरल होती है। इंडियन आर्मी में टोटल 6 ऑपरेशनल कमांड हैं और इन कमांड को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ही लीड करते हैं। सेकेंड टर्म था आरट्रैक। इंडियन आर्मी में टोटल 7 कमांड्स हैं और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन 7 कमांड में से 6 कमांड ऑपरेशनल हैं एंड 7th कमांड है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में बेस्ड है। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आरट्रैक कुछ नहीं बल्कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड का शॉर्ट फॉर्म है। थर्ड टर्म था VCOAS। तो VCOAS का फुल फॉर्म है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगर किसी भी इंडिविजुअल को फर्स्ट कमेंडेशन बैच मिलता है तो उस बैच में कोई भी स्टार मौजूद नहीं होता। अगर किसी भी इंडिविजुअल को दो कमेंडेशन मिलते हैं देन उसको बैच पे 1 स्टार से डिनोट किया जाएगा। सिमिलरली अगर किसी को 3 कमेंडेशन मिलते हैं तो उसको कमेंडेशन बैच पे 2 स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी कमेंडेशन बैच में मैक्सिमम 3 स्टार हो सकते हैं। यहाँ पे किसी भी बैच से मेरा मतलब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन बैच या आर्मी कमेंडेशन बैच पे मैक्सिमम 3 स्टार हो सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है रिगार्डिंग कमेंडेशन बैजेस जो आप सभी को डेफिनेटली पता होने चाहिए। अगर आप इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं पर आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या ट्राई सर्विस कमांड में पोस्टेड किया जाता है और वहां पे आपको उनके द्वारा कमेंडेशन बैच दिया जाता है, तो आप उस कमेंडेशन बैच को तब तक ही अपनी यूनिफॉर्म पे लगा सकते हो जब तक आप वहीं पे पोस्टेड हो। एक बार जब आप वापस इंडियन आर्मी की यूनिट ज्वाइन करोगे तो आप उस कमेंडेशन बैच को अपनी यूनिफॉर्म पे नहीं लगा सकते। यानी आर्मी में रिवर्जन होने के बाद आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन बैच लगाना होगा अगर आपको अपनी लास्ट पोस्टिंग में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ से कमेंडेशन मिला था। आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, उससे पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ऐसा होता है कि किसी आर्मी ऑफिसर को इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी की यूनिट में पोस्टिंग मिले। दोनों में से आपको जो भी कमेंडेशन बैच मिलता है उसको आप लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट पे बटन के किसी भी साइड लगा सकते हैं। और लास्ट में देख लेते हैं कमेंडेशन बैच को अर्न करने की एलिजिबिलिटी। ऑल द रैंक्स ऑफ द आर्मी एंड सिविलियन पर्सनल वर्किंग अंडर द सुपरविजन डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द आर्मी आर एलिजिबल फॉर द अवार्ड। आई होप जितनी भी बातें आज हमने कमेंडेशन बैच के बारे में की वो आपको क्लियर हो गई होंगी, पर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।